यह शहर की गोलबीघा अखाड़ा कमेटी के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव, पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, मृदा गालिब कॉलेज के सचिव सैयद शब्बी शमशी, डॉक्टर शहबाज हुसैन, पूर्व विधायक सोम प्रकाश, पूर्व पार्षद कमांडर, समाज सेवी से बिल्डर इमरान खान सहित कई गणमान्य लोग को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा कि मुहर्रम का महीना इस्लाम धर्म में शोक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ मुहर्रम माह के 10वें दिन करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। उनकी शहादत और कुर्बानी के तौर पर इस दिन को याद किया जाता है। खुशी की बात है कि इसी महीने में उर्दू का नया साल शुरू हुआ था। ये बहुत खुशी की बात है जो नया वर्ष आवे, तो दुनिया में कहीं भी जिसका नया वर्ष आता है सारे लोग खुशी मनाता है, चाहे वो कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ इंसान है। हजरत मोहम्मद साहब के नवासा नाती इमाम हुसैन शहादत हुए थे कुर्बानी, इसलिए गम की बात है। तो खुशी के साथ साथ हम लोग गम भी मनाते हैं और उसी में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। इस मौके पर गोलबीघा अखाड़ा कमेटी के सदर मंजर हुसैन ने कहा कि इराक में यजीद नाम का जालिम बादशाह था जो इंसानियत का दुश्मन था। यजीद को अल्लाह पर यकीन नहीं था। यजीद चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन भी उनके खेमे में शामिल हो जाए, हालांकि हजरत इमाम हुसैन को यह मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने बादशाह यजीद के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में वो अपने बेटे, घरवाले और अन्य साथियों के साथ शहीद हो गए। इस मौके पर गोलबीघा अखाड़ा कमेटी के बादशाह ने कहा कि शहीद आजम हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी अपने मुल्क से मोहब्बत का संदेश देती है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन का जो करबला में शहादत हुआ, उस शहादत उस गम को हम लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं और उन्हीं के गम में ये मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। आज 11वीं का दिन है। मोहल्ला गोलबीघा के तमाम नौजवान लोगों से और कमेटी के सहयोग से मोहल्ला गोलबीघा बरतर से अखाड़ा निकाला जा रहा है जो संपूर्ण गोलबीघा का अखाड़ा है। इसमें हमारे कमेटी के तमाम मेंबरान जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और पूरे मोहल्ला गोलबीघा के नौजवान और जितने भी यहां के रहने वाले आवाम हैं उन सबों ने दिल से और अपनी सलाहियत से बढ़ के सहयोग किया, तो आज ये अखाड़ा निकल रहा। हमारे इस अखाड़ा के प्रोग्राम में कुछ सम्मान करने का प्रोग्राम रखा गया था जिसमें हमारे माननीय सहकारिता मंत्री जो बेला विधानसभा क्षेत्र से लगातार 6 बार विधायक भी रह चुके हैं, डॉक्टर श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय डिप्टी मेयर श्री अखोरी ओमकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव जी, माननीय मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान जी एवं समाज के गणमान्य और माननीय लोग आकर मोहल्ला गोलबीघा का आज इज्जत में 4 चांद जोड़ा, उन तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 2019 के बाद आज इस तरह का अखाड़ा निकल रहा है। इससे पहले गोलबीघा में ऐसा अखाड़ा ना निकला है और एक नया कमेटी हम लोग बनाए हैं जिसके सदर हमारे मंजर हुसैन, सेक्रेटरी मैं हूँ, खजांची रजी भाई, जया भाई, दारू ना पिए, हिंदू मुस्लिम का बात ना करें, मिलजुल करके हम सभी भाई मिल करके गोलबीघा मोड़ से लेकर के करवाला तक जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे बात को लोग मानेंगे और हमारे साथ चलेंगे। मुहर्रम की 11 तारीख है, इसका इतिहास रहा करबला से। इराक के शहर यहाँ करबला है, वहाँ हमारे इमाम हुसैन की शहादत हुई थी 10 मुहर्रम को, और उसी की याद में गम का ये महीना है और खुशी का महीना है कि हमारा साल का पहला जो दिन होती है वो मुहर्रम की तारीख होती है। इस तरह हिंदू धर्म में होता है आप लोगों में आप लोग का और अंग्रेजी में 1 जनवरी को, उसी तरह हमारा मुहर्रम का एक तारीख है पहला साल की पहले दो दिन। इसमें बहुत सारी तादाद में बोली बहुत गंभीर बात का है मैं बता सकता हूँ, लेकिन इस पर्व से चीज़ जो मैसेज मिलती है पूरे समाज को ये मोहब्बत और पैगाम की ये और इस्लाम की मजबूती की ये पर्व है। इसलिए हम सभी हिंदुस्तान के नागरिक से और ख़ासतौर पर बिहार के लोगों से चाहता हूँ कि
खुशी से मनाए और बीजेपी वाले इसे बहुत तरह की चीज़ पे चाहता है कि देश की माहौल बिगड़ जाए। आप मणिपुर घटना देख सकते हैं, अभी कटिहार में उन्होंने घटना करवाया, जिनका जिक्र है अभी माननीय मंत्री साहब कह रहे थे। इस तरह की चीज़ से हम बिहार वासी चाहते हैं, समाज के हर वर्ग से चाहते हैं कि शांति सद्भावना से खुद अपना पर्व मनाए और हमें बनाए। मैं उनके पर मन को शांत हूँ, वो मेरे पर मैं शांत है। महानगर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।